समझे, जो आजकल यूज है, आजकल प्रयोग में कम माइंड है ना, एक ब्लैक बॉक्स में क्या करेंगे कि कंबाइंड वोल्टेज एंड करंट रेगुलेटर को हम मर्ज करेंगे, है ना। इसे फिगर की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आजकल जो गाड़ियों में प्रयोग करते हैं वो कंबाइंड वोल्टेज एंड करंट रेगुलेटर यूज करते हैं, राइट। तो एक ब्लैक बॉक्स में हम तीनों को रखते हैं, है ना। इसको हम समझते हैं, देखिए फिगर के माध्यम से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे आज, ठीक। चलिए, तो जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, हमने क्या किया, एक बॉक्स ले लिया और एक बॉक्स के अंदर ये तीनों वोल्टेज रेगुलेटर, करंट रेगुलेटर, है ना, और ये कटआउट रिले, ये तीनों रहेंगी एक ही के अंदर, राइट। तो चलिए इसको अब हम समझेंगे, है ना। सबसे पहले जैसा कि हम कर रहे थे, सर्किट देखते हैं ना, सर्किट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स को पाथ नहीं मिलेगा फ्लो होने के लिए, राइट। तो ये जनरेटर है हमारे पास, ये आर्मेचर वाइंडिंग का पॉइंट है ना, ये आर्मेचर वाइंडिंग से आ रहा है, राइट, और ये फील्ड वाइंडिंग से आ रहा है, ये एफ लिखा, ये फील्ड वाइंडिंग से आ रहा है, ठीक। तो देखिए फील्ड वाइंडिंग को हम देखते हैं, करंट यहाँ से फ्लो होगा इस वायर में, यहाँ से जाएगा, है ना, ये जा रहा है यहाँ से जा रहा है, फिर देखिए ये जा रहा है यहाँ पर और जाकर इस कॉइल में जा रहा है ना, इस कॉइल में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ टर्न्स हमने लगाए हुए हैं, यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से देखिए यहाँ गया, फिर इन पॉइंट को अभी मान लेते हैं ये दोनों पॉइंट ज्वाइन है ना, आपस में ये दोनों कॉन्टेक्ट पॉइंट्स ज्वाइन है, राइट। तो करंट फिर यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, अभी इनको हम मानते हैं कि ये आपस में ज्वाइंट है, राइट, जुड़े हुए हैं ये दोनों पॉइंट्स, राइट। तो और ये ग्राउंड हो रहा है, फाइनली यहाँ के ग्राउंड हो रहा है, इसका मतलब इस सर्किट में, ये जो सर्किट हमने फॉलो करी, इस सर्किट में करंट फ्लो हो सकता है, राइट, इलेक्ट्रॉन्स को पाथ मिल रहा है फ्लो होने के लिए, ठीक। अब हम बात करेंगे इस कॉइल की, इस कॉइल में मैग्नेट बनेगी, राइट, इस कॉइल में इलेक्ट्रॉन्स बनेगी, तो यहाँ मैग्नेट बनने की वजह से ये इस आर्मेचर को अपनी तरफ पुल करेगा, है ना, जैसा कि हमने पढ़ा है। तो ये जब आर्मेचर अपनी तरफ पुल होगा तो देखिए यहाँ से ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों सीबी पॉइंट्स, ये दोनों कॉन्टेक्ट पॉइंट्स क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे, है ना। अब जब ये दोनों पॉइंट्स ओपन हो जाएंगे तो देखते हैं हम, देखिए करंट कैसे फ्लो करेगा, यहाँ से गए, यहाँ से गए, है ना, ये यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ के बाद यहाँ करंट जा रहा है इस कॉइल में, यहाँ गए, यहाँ से ये दोनों पॉइंट जुड़े हुए हैं, है ना, अब यहाँ गए, क्या ये दोनों पॉइंट ओपन है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये दोनों पॉइंट ओपन है, तो करंट यहाँ तक ग्राउंड नहीं होगा, है ना। तो इस सर्किट में से इस समय करंट नहीं जाएगा, है ना, इस समय करंट फ्लो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट्स ओपन हो गए, है ना। अब हम बात करेंगे वोल्टेज रेगुलेटर में, जो हमने प्री डिसाइडेड वोल्टेज फिक्स किए हुए हैं, है ना, यहाँ पर सफिशियंट अमाउंट में मैग्नेट जब बनेगी, जब हमारा प्री डिसाइडेड वोल्टेज वैल्यू आ जाएगी, है ना, जैसे ही फॉर एग्जाम्पल प्री डिसाइडेड वोल्टेज वैल्यू आएगी तो ये आर्मेचर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये पॉइंट्स ओपन हो जाएंगे, ये पॉइंट्स ओपन हो जाएंगे तो इसमें से धारा प्रवाह नहीं हो पाएगी, करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, है ना। जब फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, ये जो लिमिटेड वोल्टेज है, जो प्री डिसाइडेड वोल्टेज है, उस पर वैल्यू आ चुकी है, वो प्री डिसाइडेड वोल्टेज की वैल्यू आ चुकी है ना, और ये मेक ब्रेक बार बार होता रहेगा, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि ये प्री डिसाइडेड वोल्टेज वैल्यू से ज्यादा वोल्टेज नहीं होने देगा, राइट। तो ये किसकी बात करी हमने, वोल्टेज रेगुलेटर, ये वोल्टेज को कंट्रोल रखेगा, है ना। अब हम बात करेंगे करंट रेगुलेटर की, राइट, करंट रेगुलेटर की अब हम बात करेंगे, ठीक। तो देखिए करंट रेगुलेटर के केस में अगर मैं देखूं, तो पहले मुझे सर्किट कंप्लीट करना है, ये देखिए आर्मेचर वाइंडिंग से ये यहाँ पर आई, ये यहाँ पर करंट फ्लो करेगा, ये यहाँ पर करंट फ्लो करेगा, यहाँ से इस कॉइल में जाएगा, इस कॉइल में जा रहा है ना, फिर यहाँ से आप देखिए ये करंट फ्लो यहाँ पर करेगा, अब देखिए यहाँ पर करंट फ्लो करेगा, अब ये जो डॉटेड आपको लाइन दिख रही है, करंट यहाँ फ्लो करेगा, इस डॉटेड लाइन में फ्लो करेगा, है ना,
ये डॉटेड यहां जा रहा है, इस कॉइल में फ्लो करेगा और यहाँ ये ग्राउंड हो रहा है। इसका मतलब, इसका तात्पर्य क्या है कि करंट फ्लो हो सकता है ना, इस सर्किट में से करंट फ्लो हो सकता है ना, यहाँ पर करंट जाएगा और यहाँ यहाँ ग्राउंड हो रहा है, राइट। तो यानी कि इन सर्किट में से करंट फ्लो हो सकता है। ओके, अब हम क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पर जब करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ इस पोर्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ मैग्नेट बनेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी। जब यहाँ मैग्नेट बनेगी तो ये इस आर्मेचर को अपनी ओर पुल करेगा, है ना। जब ये अपनी ओर पुल करेगा तो आप देखिए यहाँ से ये जो पॉइंट्स हैं ये ओपन हो जाएंगे, आर्मेचर को अपनी ओर अट्रैक्ट किया और यहाँ से ये पॉइंट्स ओपन हो गए, है ना। अब देखिए जो करंट, इससे पहले वाले फील्ड वाइंडिंग की बात कर रहा हूँ, मैं फील्ड वाइंडिंग में जा रहा हूँ, जो करंट यहाँ से जाकर गुजर रहा था, इस कॉइल में जा रहा था, इस कॉइल से होता हुआ इन पॉइंट्स के थ्रू, है ना, जब ये पॉइंट ज्वाइंट थे, इन पॉइंट्स के थ्रू होता हुआ यहाँ जा रहा था वोल्टेज वाले पॉइंट्स में, है ना। जब सफिशियंट अमाउंट का प्री डिसाइडेड एम्पियर रेटिंग करंट की आ जाएगी, है ना, तो क्या होगा, ये पॉइंट्स ओपन हो जाएंगे। तो करंट रेगुलेटर से हमने क्या किया, करंट को तो हम रेगुलेट कर ही रहे हैं, प्री डिसाइडेड वैल्यू जैसे ही आएगी वैसे ही ये सर्किट ओपन हो जाएगी, पॉइंट्स खुल जाएंगे, है ना, और एक प्री डिसाइडेड वैल्यू तक करंट सप्लाई हो पाएगा, उससे जैसे ही मैक्सिमम होगा तो ये फिर दोबारा अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो मेक ब्रेक का कॉन्सेप्ट यहाँ चलता रहेगा, है ना। और इससे हमें क्या लाभ है, देखिए करंट के पॉइंट जब यहाँ खुल जाएंगे, करंट की लिमिटेड वैल्यू जब आ जाएगी, प्री डिसाइडेड वैल्यू, तो ये वोल्टेज को भी नहीं बढ़ने देगा, है ना। हमने इसे ऐसे डिजाइन किया है, यहाँ के ये पॉइंट खुल जाएंगे तो यहाँ पर भी सप्लाई, वोल्टेज रेगुलेटर को भी सप्लाई नहीं जाएगी। देखिए यहाँ से ही जब हमने ब्रेक कर दिया सर्किट, ये पॉइंट्स ओपन कर दिए, तो ये वोल्टेज रेगुलेटर को भी सप्लाई नहीं जा रही है ना। तो वोल्टेज रेगुलेटर से हमने वोल्टेज को कंट्रोल कर लिया, है ना, प्री डिसाइडेड वैल्यू तक फिक्स कर दिया, और करंट रेगुलेटर से हमने करंट की वैल्यू को फिक्स कर लिया, है ना। अब हम बात करेंगे कटआउट रिले की। कटआउट रिले में जैसा कि हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में, हमने क्या देखा था, 6 वोल्ट या 12 वोल्ट की बैटरी हम यहाँ लगाते हैं, है ना, तो जैसे ही 6 वोल्ट या 12 वोल्ट से ज्यादा जनरेटर, है ना, वोल्टेज क्रिएट करता है, उस टाइम ये दोनों वाइंडिंग्स एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देती हैं, है ना, यहाँ मैग्नेट होती है, इस आर्मेचर को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं, तो ये दोनों पॉइंट आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और बैटरी को करंट सप्लाई होना शुरू हो जाता है ना। आजकल हम 12 वोल्ट की बैटरी यूज करते हैं, तो जैसे ही 12 वोल्ट से एक्सेस वोल्टेज जनरेट करेगा जनरेटर, तो यहाँ ये दोनों पॉइंट आपस में ज्वाइन हो जाएंगे और बैटरी को सप्लाई जाना शुरू हो जाएगी, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। ये हमने कंबाइंड वोल्टेज करंट रेगुलेटर दिखाया है टीवीएस का, है ना, इसका सेम वर्किंग है इसकी, केवल कंस्ट्रक्शन में चेंजेस है, राइट। ये देखिए यहाँ वोल्टेज रेगुलेटर है, यहाँ करंट रेगुलेटर है, यहाँ कटआउट रिले है ना, तो कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा चेंज है, अदरवाइज बाकी सारी चीजें वही है। चलिए तो अब हम देखेंगे जैसे 12 वोल्ट पर, 12 वोल्ट के लिए कितने कितनी वैल्यू होनी चाहिए, है ना, वो सारी चीजें ये दिखा रहा है। 24 वोल्ट के लिए क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए, क्या क्या वोल्टेज होना चाहिए, ये सारी चीजें दिखा रहा है, ठीक। अब हम सेटिंग ऑफ द व्हीकल देखेंगे कि इसमें हम वोल्टेज को करंट को कैसे फिक्स कर सकते हैं ना, जब सेटिंग ऑफ द व्हीकल पर है, राइट। ये देखिए ये इसने दिखाया हुआ है, ये पूरा इसी एक ही बॉक्स में रहेगा, ये सारी चीजें दिखाई हुई है इसने। अब ये सेटिंग टूल की हेल्प से क्या कर रहा है, वोल्टेज करंट को वैल्यू को फिक्स कर रहा है, कैसे, इस सेटिंग टूल से। इस सेटिंग टूल के थ्रू हम देखिए यहाँ पे ये जो सर्कुलर दिख रहा है, हम इन दोनों होल्स में इस सेटिंग टूल को फिक्स करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल 3000 RPM पर, 3000 RPM पर, यहाँ पर 3000 RPM पर हमें कुछ सर्टन वोल्टेज चाहिए, तो वो वोल्टेज अगर आ रहा है तो ठीक, अगर नहीं आ रहा है तो हम इस सर्कुलर एरिया को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके उस वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं, राइट। तो ये सेटिंग टूल हमारा आसानी से इन वैल्यूज को प्री डिसाइडेड वैल्यू पर ला सकता है, राइट। एक सेटिंग हम किस पे करते हैं, बेंच पर, है ना। हमने क्या किया, सारा सिस्टम खोलकर एक टेबल पर रख लिया और सारा उस पर अरेंजमेंट कर लिया,
फिर वहां हम वोल्टेज और करंट की वैल्यू को रेगुलेट कर रहे हैं, राइट। इसको हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे, बेंच पर हम कैसे करते हैं, राइट। चलिए, तो इसमें जो भी डाउट्स हैं आपके, पहले हम वो ले लेते हैं, उसके बाद आगे सीखें।